हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में और स्वागत है आप लोगों का पहाड़ की इन खूबसूरत और हसीन वादियों में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं एक नए दिन से नए वीडियो की शुरुआत। और आज मैं अभी आया हूँ सिंतोली गांव में। तो सिंतोली गांव यहां पे ठीक मेरे पीछे आप लोगों को जो ये गाँव दिख रहा है, यह है सिंतोली गाँव। और यहाँ पर कुछ काम से हम अभी आए हुए थे, तो हम यहाँ पर अभी एक व्लॉग आज का यहाँ का बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे गांव आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे एरवाड़ी और घंडियाल वगैरह बहुत सारे गांव है यहाँ पे। और मेरे आगे यहाँ से बेनीताल कुछ दूरी पे है, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी। तो अभी मैं आप लोगों को बोर्ड दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पर श्रीनगर 94 किलोमीटर है और करण प्रयाग 29 और शिमली 22 किलोमीटर यहाँ से दूरी नीचे को है। तो जहाँ से अभी हम ऊपर आए थे, हम शिमली से आए थे, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि शिमली की कितनी दूरी यहाँ पे है। अब मैं आप लोगों को बेनीताल की दूरी दिखाता हूँ, यहाँ से बेनीताल की दूरी। तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे बेनीताल आप लोगों को दिख रहा है, बेनीताल है 6 किलोमीटर और आदिबद्री मंदिर यहाँ से नीचे को 31 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग 60 किलोमीटर। तो शिमली से हम आदिबद्री की साइड से ही आए थे, आदिबद्री से शिमली और शिमली से यहाँ को। तो आप लोगों को अभी यहाँ पर जो मेरे पीछे ये जंगल दिख रहा है, ये जंगल है बेनीताल का। तो बेनीताल यहाँ से 6 किलोमीटर है और यहाँ से आगे जाना पड़ता है और ऊपर बिल्कुल धार में चोटी में है बेनीताल। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एरिया है वहाँ पे घूमने लायक। तो आने वाले टाइम में यानी कि बरसात के टाइम में वहाँ पर मेला लगता है, तो इस साल वहाँ पर ज़रूर मेला लगेगा। और आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को वो मेला भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और 2-3 दिन की मेला वहाँ पर चलती है, पर लास्ट दिन हम वहाँ पर जाएंगे। और बहुत अच्छी जगह वहाँ पर है घूमने लायक जगह, एक ताल भी है वहाँ पे बीच में। तो वो चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को दिखेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि जो भी आने वाले वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो ये जंगल है बहुत ही खूबसूरत जंगल और बांज के जंगल है। तो बांज के जंगल अक्सर ठंडे होते हैं, बहुत ठंडा होता है ऐसी जगहों में, ठंडे इलाके में ही बांज का पेड़ ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे सारे बांज के पेड़ हैं। और ठीक मेरे सामने यहाँ पर सिंतोली है जहाँ पर अभी हमने जाना है। तो सिंतोली का एक दृश्य मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और एक दृश्य मैं यहाँ पर बाकी और चोटियों का यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे ठीक सामने आप लोगों को एक गांव दिख रहा होगा इस बांज के पेड़ के सामने, ये है घंडियाल। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे और भी गांव है, वो उनके बारे में उतना पता मुझे नहीं है। बहुत सारे गांव यहाँ हैं। और ठीक इस साइड जो ये सड़क जा रही है और लास्ट जहाँ पर सड़क जाती है वहाँ पर है एरवाड़ी। तो एरवाड़ी से हम अभी इधर को आए थे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा। और आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप भी लगा हुआ है, तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है अभी। और ये आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ से मैं आप लोगों को सिंतोली का एक दृश्य भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक सामने आप लोगों को जो ये दिख रहा है, ये है सिंतोली, सिंतोली गाँव ये है। और यहीं पर अभी हमें जाना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर सिंतोली गाँव में और उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वो आप लोगों को दिखाएंगी। और तो चलिए अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे को।
तो दोस्तों अभी सिंतोली से आने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में, और गांव के पास हमारे यहां पे पांच के स्कूल के नीचे यहां पे सड़क है, और सड़क में यहां पे एक मंदिर भी है, निरंकार मंदिर, वहां पे मैं अभी पहुंचा हुआ हूं। और यहां से जो अभी का जो दृश्य है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात का टाइम है आजकल, और बरसात के टाइम पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती रहती है और धुंध भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, वाष्प जिसे हम बोलते हैं पानी का। और यहाँ पे कुछ दोस्त लोग भी हैं हमारे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऊपर स्कूल में, पांच के स्कूल में, ये पता नहीं क्यों गए हुए यहाँ पे। और यहाँ से बकरियाँ भी आ रही है लोगों की, अब शाम के टाइम हो गई है तो बकरियाँ भी घर की तरफ, लोग भी घर की तरफ, सभी शाम के टाइम सभी लोग अपने घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ से भी जहाँ पर भी काम के लिए गए होंगे। और हमारे पीछे से लोग भी आ रहे हैं। इस साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से जो नीचे वाला दृश्य है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के टाइम ये जो पानी है वाष्प बन के ऊपर आता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और इस साइड में आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे हमारा गांव है और ये सामने पंडाव गांव है, और यहाँ से बकरियाँ आ रही है, तो बकरियों का एक नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आ रहे बकरियों वाले अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बकरियाँ भी घर की तरफ आने लग गई हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं, और गाय बकरियाँ सभी चीज़ें इस टाइम घर की तरफ लौट जाते हैं। तो यहाँ से जो नीचे का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर अभी लग रहा है, नीचे से पानी वाष्प बन के ऊपर को आ रहा है और फिर से ये आसमान में जाके बरसेंगे, तो इस तरीके का आजकल का मौसम रहता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग ये काम से, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था मेरे पीछे, वो आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे गांव के बच्चों ने जिम करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है सुबह शाम के टाइम। अब भर्ती की तैयारी चल रही है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, जब मौसम साफ रहेगा सुबह तो मैं भी आऊँगा कि कैसे तैयारियाँ बच्चे लोग करते हैं। अभी शाम को आज तो मौसम ख़राब है, बारिश लग रही है। यहाँ पे हमारे गांव का निरंकार देवता है, यहाँ पे भी मैं नीचे कभी जाऊँगा और निरंकार देवता का एक सुंदर सा दृश्य आप लोगों को के लिए लाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो मौसम का नज़ारा है आजकल पहाड़ों में बहुत ही सुंदर लगता है। इस साइड में एक बार कैमरा घुमा लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से मैं आगे जाता हूँ। अब थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि जो ये वाष्प है यहाँ तक पहुंच जाएगा और 10 मीटर दूर कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे धुंध जैसी हो जाएगी बादलों की। और यहाँ से अभी ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर होंगे, इतना हाइट अभी यहाँ से लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा दृश्य यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे सामने भी। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारे गाँव का 5th वाला स्कूल, और यहाँ से सड़क आती है मार्केट से, और यहाँ को गांव की तरफ ये वाली सड़क जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ लोग भी दिख रहे होंगे, ये है ऊपर 5th का स्कूल, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे भी हैं, जब हवा चलती है तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे दृश्य दिखता है हवा चलते वक्त इन पेड़ों का। तो दोस्तों अभी बारिश लग चुकी है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हम भी अब निकल रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।